Congratulations. Thank you. क्या नाम है? कनिष्का यादव सर. लॉ कब किया? सर 2017 में. कहाँ से किया? सर लॉ शहीद भगत सिंह कॉलेज जयपुर. जयपुर. यस सर. कौन सा कॉलेज? शहीद भगत सिंह कॉलेज. भगत सिंह कहाँ पर है? सर खातीपुरा में. एम ए किया था? हाँ जी सर. इसमें क्या है? सर अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर में सर. आठ जैसे पहले भी किया है? फर्स्ट टाइम? नहीं सर फर्स्ट टाइम है. 2017 में लॉ किया था ना, उसके बाद फिर 18 में नहीं दिया? नहीं सर, उसके बाद में 6 महीने मैंने प्रिपरेशन नहीं की, उसके बाद मैंने 6 महीने बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और उसके बाद पहली बार दिया था सर. कौन सा अच्छा लगता है, सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सर क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ में अगर कोई थाने पर जाता है रिकॉर्ड लेकर की कंप्लेंट, पुलिस वाले मना करते हैं भैया नहीं करते या टालते हैं, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज है? सर फिर मैं वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी को बाई पोस्ट भेज सकती हूँ, और अगर वो भी सर मना करते हैं मतलब नहीं कोई एक्शन लेते हैं, तो सर 156(3) के अंदर मैं मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट के लिए जा सकती हूँ. मजिस्ट्रेट क्या है जब कोई कंप्लेंट पेश करते हो? हाँ जी सर. तो आपके पास जैसे आप मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास कोई कंप्लेंट आई, तो उस कंप्लेंट में आने के बाद आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं, आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते हो उसमें? सर कंप्लेंट आने के बाद में जो उपस्थित साक्षी और जो लेकर आए हैं उनके मतलब जो साक्षी जो उपस्थित हैं और जो पक्षकार हैं, मैं उनकी परीक्षा कर सकती हूँ, उनसे कुछ पूछ सकती हूँ, और मतलब कार्यवाही को अन्वेषण के लिए भी भेज सकती हूँ. ओके सेक्शन नंबर सर 202 में. 202 में स्टेटमेंट किसमें लेते हैं? अगर स्टेटमेंट लेते हैं सर 200 के अंदर परिवादी की और उसके विटनेस सर उसी में ले हमने. 200 में? हाँ जी सर. इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई चार्जशीट आती है? हाँ जी सर. पेश कर दी और ऊपर पेश कर दी पुलिस ने, उसके बाद क्या क्या कार्रवाई मजिस्ट्रेट कर सकते हैं उसमें? सर जब रिपोर्ट में दोनों ही है, चार्जशीट में क्या करेगा और एफआईआर में क्या करेगा, दोनों में क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं मजिस्ट्रेट? चार्जशीट आ गई, पहले आप चार्जशीट से क्या स्टेप क्या होगा मजिस्ट्रेट का? सर चार्जशीट के बाद में आगे की कार्रवाई प्रोसीडिंग. हाँ उसमें प्रोसीडिंग में क्या कार्रवाई से स्टार्टिंग कार्रवाई क्या होगी सर? सॉरी सर. और एफआर में? एफआर तो सर एफआर लगा, एफआर पेश कर दी. हाँ जी सर. पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई सर? सॉरी सर. सर मतलब सॉरी सर मेरे पास एंटीसिपेटरी में क्या सर अग्रिम जमानत मतलब जब आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई केस संस्थित कर सकता है होने वाला है, तो आप अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हो कि गिरफ्तारी से बचने के लिए. बेलेबल ऑफेंस में हो सकती है सर? अजमानत अपराध में. अजमानत अपराध सम्मन ट्रायल और वारंट ट्रायल में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है? एज मजिस्ट्रेट ग्रुप में देख करो आप, तो क्या डिफरेंस क्या है ट्रायल करते समय आपको क्या चीज का क्या डिफरेंस लगेगा? सर समन ट्रायल के अंदर आरोप विचित करना ज़रूरी नहीं है, वारंट ट्रायल में आरोप विचित किए जाते हैं, और समन ट्रायल में मतलब डायरेक्ट आते हैं हम अभियोजन के साक्ष्य ले लेते सारांश सुना देते हैं उसको, आरोप विचित नहीं करते हैं. डिस्चार्ज तो हम कर सकते हैं सर? दोष मुक्ति हो सर उसमें डिस्चार्ज सर हम कर सकते हैं सर? समन में दोष मुक्ति होती है सर. समन केस में डिस्चार्ज चार्ज लगने के बाद में डिस्चार्ज का है, तो समन केस में डिस्चार्ज हो सकता है सर? अगर कोई उपस्थित मतलब लग रहा है कि कोई वो बन नहीं रहा है इनके केस, तो मतलब आरोप नहीं बन रहे हैं साबित नहीं हो रहे, तो सर उन्मोचित किया जा सकता है. डोमेस्टिक वायलेंस केस में जुरिस्डिक्शन कहाँ का किस किस जगह हो सकता है, जहाँ पर हुआ उसके साथ में या फिर अपने पीयर गई वहाँ पर कहाँ कहाँ हो सकता है जुरिस्डिक्शन? सर जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर, या जहाँ पर घरेलू हिंसा घटित हुई है वहाँ पर, या जहाँ पर
जहाँ पर वो लास्ट टाइम पे साथ में रहे थे वहाँ पर भी हो सकता है। 125 में कंपनसेशन और डोमेस्टिक वायलेंस में कंपनसेशन दोनों एक साथ हो सकते हैं? हाँ सर, दोनों एक साथ हो सकते हैं। सिविल में, सिविल का सीबीसी एविडेंस किस में क्या पड़ा, किस में ज़्यादा पड़ा था? सिविल में सर एविडेंस सीबीसी, हाँ सीबीसी भी पड़ा है थोड़ा सा। अगर किसी केस में किसी दिन प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों ही नहीं है तो क्या कार्रवाई करेगी कोर्ट? सर खारिज कर सकती है उसको। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग कब कब किस स्टेज तक अलाउ हो सकता है? क्या सर? अमेंडमेंट इन प्लीडिंग्स किस स्टेज तक अलाउ हो सकता है? सर निर्णय देने से पूर्व कभी भी किया जा सकता है अगर रुकता है तो, न्यायालय के परमिशन से। अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट हो तो उसके कोर्ट विचार कर सकती है। फैमिली सेटलमेंट है अनरजिस्टर्ड, हाँ उस पर कोर्ट विचार कर सकती है। सॉरी सर। भगत सिंह कॉलेज से एलिजिबल किया ना? सर भगत सिंह के साथ दो को और फांसी की सजा हुई थी, कौन कौन थे? सर सुख सर सॉरी नाम रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छा अभी चंद्रयान पे जो भेजा था, हाँ जी सर, क्या नाम था उसका जो वहाँ पे इसरो ने जो भेजा था सर चंद्रयान टू? इसरो ने जो भेजा था, हाँ वो जो नाम उसका जो लैंडर था उसका क्या नाम था? विक्रम लैंडर सर। कहाँ से भेजा था इसरो का कार्ड? सर सॉरी सर। इसरो की फुल फॉर्म पता? नहीं सर। इसरो के चीफ का नाम पता? नहीं सर। अभी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर पहला बना कौन बना? सॉरी सर। पहले गवर्नर कौन था? अच्छा एग्जामिनेशन इस चीफ क्या होता? सर मुख्य परीक्षा होती है जो उस जो जो बुलाता है पक्षकार उसी उसी की तरफ से ली जाती है, मतलब जिस पक्षकार की ओर से आया है साक्षी उस वही जो परीक्षा करता है। अच्छा, जिस प्रोसिक्यूशन ने गवाह को बुलाया, हाँ जी सर, या प्लेंटिव ने गवाह को बुलाया तो वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन किस स्थिति में कर सकता है? सर जब वो पुनः परीक्षा मतलब सॉरी क्रॉस एग्जामिनेशन में हॉस्टाइल विटनेस हो जाता है ना सर, तो फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन 154 सर एविडेंस। व्हाट इज पर्पस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन? सर मतलब सही सही बात की जानकारी के लिए किया जाता है सर, कि सच्चाई की जानकारी के लिए। जैसे आप मजिस्ट्रेट हैं, एक कंप्लेंट फाइल होती है आपके पास, तो क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है कोर्ट में? सबसे पहले ऑफेंस की कंप्लेंट फाइल हुई सेक्शन 200 में, हाँ जी, क्या क्या कार्रवाई कर सकता है? सर उपस्थित साक्षी और जो पक्षकार है उनकी परीक्षा कर सकता है और उन और अन्वेषण के लिए भी भेज सकता है सर, कार्रवाई को मतलब रोक सकता है अन्वेषण के लिए। अच्छा जैसे एक पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर लगा दी, हाँ सर, आपके यहाँ पेश कर दी, तो आप क्या क्या कार्रवाई कर सकते? सॉरी सर, कॉग्निजेंस क्या होता है? संज्ञान लेना, मतलब अपना जो जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है सर कि क्या ये इसमें आगे कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। किसी कॉग्निजेंस ऑफ एक्यूज का होता है ऑफेंस का होता है? सर ऑफेंस का होता है। किसी एफआईआर में एबीसीडी के खिलाफ एफआईआर कर दी, पुलिस ने ए और बी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दिया आपके पास, तो एज मजिस्ट्रेट आप सी और डी को उसी टाइम बढ़ा सकते हैं? सर सॉरी सर, जैसे एक कंप्लेनेंट है उसे रिपोर्ट की कि साहब मेरे खिलाफ मेरे घर में घुस के ए और बी सी डी ने मेरे साथ बात की, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसने ए और बी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी, सी और डी को निकाल दिया, हाँ सर, तो क्या मजिस्ट्रेट के रूप में फर्स्ट इंस्टांस पे आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं सी और डी के खिलाफ? सर सीआरपीसी में 319 में बताया गया सर कि अगर वहाँ पे उपस्थित हैं वो और उस समय लग रहा है कि इनका इन्होंने भी उपस्थित है तो आएंगे क्यों? सर अगर उपस्थित हैं तो उनको अरेस्ट करा सकते हैं, मतलब निरोध कर सकते हैं, अगर उपस्थित नहीं है तो सर संबंध या वो इसकी स्टेज कौन सी रहती है? जैसे आपके पास चार्जशीट पेश की आई हो रही, अच्छा, तो आप उस पर
उसी टाइम सी और डी को बुलाएंगे या 319 की कौन सी स्टेज रहती है? फिर सुनवाई के समय सुनाई का मतलब क्या हुआ सर? विचारण चल रहा है तो कोर्ट 173 के डॉक्यूमेंट से चार्जशीट पूरी है? हाँ जी सर। या कोर्ट की एविडेंस के बाद लेने आप पहुंचे सर? प्रथम दृष्टा तो देखा जाएगा कि मतलब जो चार्जशीट पेश हुई है उसके आधार पर कि कॉन्विनेंस लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज में भी ले सकता है ना मजिस्ट्रेट? हाँ सर। या फिर ट्रिगर बाद में लेंगे 319 में लेंगे? नहीं सर, पहले भी ले सकते राजस्थान हाई कोर्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस कौन है? सर जस्टिस इंद्रजीत महंते। अभी भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल कौन थे? सर डॉक्टर सर अभी नाम याद नहीं आ रहा। अरे हॉस्पिटल में डॉक्टर कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, उस टाइम एक पुलिस वाला पार्क वो कन्फेशन स्टेटमेंट एडमिसिबल है इनएडमिसिबल? सर एडमिसिबल नहीं है क्योंकि भले ही वो पुलिस वाला बाहर खड़ा है लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में ही माना जाएगा तो वो कन्फेशन कस्टडी वो तो आप दूसरे केस की इंजरी रिपोर्ट लेना है। अच्छा अगर वो कस्टडी में नहीं है सर तो फिर नहीं, तो फिर कन्फेशन कर लिया। जैसे एक एक्यूज है 302 का। हाँ सर। उसके ससुर आते हैं उसके पास होता है ना जेल साहब बनाता है वो आके उससे कहते हैं मैं मेरे को सच्ची अच्छी बता दे मैं तेरी मदद करूँगा मेरी बड़ी पहचान है वो बताएगा हाँ सर मैंने चाकू से मारा तो ये स्टेटमेंट उसका एडमिसिबल है इनएडमिसिबल? हाँ सर एडमिसिबल। क्यों सर? क्योंकि एविडेंस एविडेंस में ही बात बताई गई है कि अगर वो कोई व्यक्ति उस स्थिति में उसको बताया उसको चेतावनी भी नहीं दी गई है कि आपके खिलाफ ये साक्ष्य काम में लिया जा सकता है या वो मत की स्थिति के अंदर भी मतलब मदपान भी कर रखा है या किसी भी स्थिति में उससे कोई सवाल है तो वो एडमिसिबल होता है सर। कितने दिन का पुलिस रिमांड दे सकता है मजिस्ट्रेट? सर अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 15 दिन का दे सकते हैं। सर अगर कार्यवाही अगर 10 साल से अधिक का ऑफेंस है तो 90 दिन और अगर 10 साल से कम का ऑफेंस है तो 60 दिन। उससे क्या राइट पैदा होता है कि उसका कि 90 दिन में चार्जशीट पेश नहीं की? सर अगर फिर वो बेल के लिए अप्लाई मतलब अधिकारवान हो जाता है कि उसको बेल मिल जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रोविजन है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने? सर आर्टिकल 22 के अंदर बताया कि 24 घंटे के अंदर यात्रा का समय 22 में सर पक्का देखो। हाँ जी सर। सीआरपीसी सर सीआरपीसी में 57 में भी है सर। अरेस्ट किया किसी है कि उसकी क्या क्या राइट सीआरपीसी में? सर अरेस्ट करने के बाद में वो पुलिस मतलब पुलिस अधिकारी उसे पूछेगा जो भी उसके संबंधी नातेदार या मित्र हैं उनके बारे में पूछेगा और उनको इतला देगा उस और उस व्यक्ति को भी कि किस अपराध में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है ये जानने का अधिकार होता है सर। कभी कोर्ट जाने का काम पड़ा नहीं पड़ा? सर मैं 2-3 बार गई हूँ। सेशन कोर्ट में सर। ये जो सेशन कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी करते हैं वो क्या बोलते हैं? लोक अभियोजक सर सहायक लोक अभियोजक। और मजिस्ट्रेट कोर्ट में? सर सहायक लोक अभियोजक। और सेशन में सहायक तो आपने बताया लोक अभियोजक होता है सर वो हाई कोर्ट के लिए। कितने कितने साल की प्रैक्टिस के बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एलिजिबिलिटी होती है? सर 7 साल के बाद में होती है और अगर विशेष लोक अभियोजक है तो 10 साल के लिए। कौन एडवोकेट जनरल राजस्थान में? सॉरी सर अच्छा मेरा केस जनरल एक्सेप्शन में आता है। हाँ जी सर। ये प्रूव करने का बटन किस पर देता है? सर वही साबित करेगा जो कहता है कि मेरा केस जनरल एक्सेप्शंस में आता है। जो कहता है अच्छा जो बयान मुझे जो है। हाँ जी सर। क्या होता है बयान मुझे? सर 161 के अधीन बयान लिखे जाते हैं सर। बयान मुझे सर। हाँ सर सॉरी सर ये 313 के बयान होते हैं सर। 313 ये कब होते? सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं है। ये जो एक तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस खत्म होने के बाद होते हैं। हाँ सर। और पहले भी हो सकते हैं? सर प्रोसिक्यूशन के बाद में लिए जाते हैं और उनकी प्रतिपक्षा चालू होने से पहले। अच्छा जैसे एक चार्जशीट में आईओ गलती से डॉक्टर का नाम लिखना भूल गया विटनेस लिस्ट में तो मजिस्ट्रेट उसको बुला सकता है? वो प्रोविजन है सीआरपीसी में कुछ डॉक्टर को एविडेंस के लिए बुला सके? सॉरी सर याद नहीं आ रहा लेकिन एविडेंस के अंदर यह है कि मतलब न्यायालय का विवेकाधिकार और साक्ष्यों की सूची पेश करनी होती है तो पर... तीन सौ ग्यारह पड़ा है सर। हाँ सर बुला सकते हैं।
पर वो सर रिकॉल प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो गया, बयान मंजूर हो गया, मैं चाहता हूँ मेरे बयान कोर्ट ले एज विटनेस। हाँ सर। तो मेरे बयान ले सकते हैं कोर्ट? हाँ सर, 315 में सर। उसकी क्या करना पड़ेगा सर? आप मतलब आप अगर आप चाहते हैं तो आपके मतलब बयान ले लिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए अगर आप मतलब कुछ भी आप जो बोलते हैं तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी सर। जैसे मैं ये जा रहे हैं हमारे दोस्त है। हाँ जी सर। मैं जा रहे और मैंने इनके जेब से मोबाइल पर्स उठा के तालाब में फेंक दी, क्या ऑफेंस किया मैंने सर? अच्छा एक मेरा दोस्त है, वो कहता भी मेरा मेरे को एक चेक दिया था किसी उधार, मैंने पैसे दिए उसने मेरे को चेक दिया और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो सर आप मेरे को राय दो, तो मैंने आपके पास भेजा तो उसको क्या राय दोगे आप? सर चेक डिसऑनर होने के बाद में मैं 30 दिन राय दूंगी कि आप उनको सूचना भेजो जो 30 दिन की होगी, और सूचना देने के पश्चात उनको 15 दिन का समय दिया जाएगा कि वो 15 दिन के अंदर संदाई करें जिस पार्टी का चेक डिसऑनर हुआ है, जिसने जिसकी वजह से हुआ है, और वो अगर वो 15 दिन में भी संदाई नहीं करते तो 16वें दिन ये उसका अधिकार हो जाएगा कि वो वाद ला सकता है। चलो फिर क्या होगा कि वो उसका केस चला और एक्विटेड हो गया, बरी कर दिया कोर्ट ने, फिर वो मेरे पास आया कि साहब हम इसकी अपील कहाँ होगी, कहाँ होगी अपील सर? क्योंकि ये सेशन कोर्ट में होगी सर अपील, मजिस्ट्रेट ट्राइबल इसकी नहीं, मजिस्ट्रेट ट्राइबल है सर और इसकी अपील सेशन कोर्ट में ही। और सजा कर दिया तुमने? हाँ सर। नहीं सर, पहले ऐसा था कि दोष मुक्ति की अपील मतलब हाई कोर्ट में होती है, लेकिन अब दोष मुक्ति के अब तो पुलिस केस या कंप्लेंट केस का कोई फर्क है? कंप्लेंट केस में हाई कोर्ट में होती हो, मेरा कहना हाई कोर्ट में होती है, बोलो क्या कर सॉरी सर। सामान्य प्रचलन भाषा में आम आदमी को जज और जस्टिस में डिफरेंस बताना हो क्या बताएंगे आप? सर जस्टिस मतलब न्याय है, न्याय वो चीज़ होती है जो हमारी कानून व्यवस्था हमारे समाज की व्यवस्था को बनाने में मदद करती है, क्योंकि उसकी वजह से लोगों में एक हर चाहे वो पीड़ित पक्ष हो चाहे वो जिसने क्राइम किया वो हो, उसमें एक रहता है कि अगर पीड़ित पक्ष है तो उसको रहेगा कि मुझे न्याय मिलेगा, अगर मेरे साथ कोई गलत होगा तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, और अगर जो अपराधी है उसको भी भय रहेगा कि अगर मैंने कोई गलत कार्य किया तो फिर मुझे सजा हो सकती है। सर जज वो होता है जो जिसके थ्रू ये प्रोसेस होता है। प्रथम दृष्टि खारिज कर सकते हैं, क्या ग्राउंड रखते हैं खारिज करने के चार्ज? सॉरी सर, पेंडेंसी इन कोर्ट लगभग काफी समय से एक अपने उस पर बना हुआ है, लोअर कोर्ट में पेंडेंसी कैसे कम कर सकते हो, किस तरह से अगर आपको कल को सर्विस में पाते हो तो आपको क्या लगता है क्या चीज सबसे पहले होनी चाहिए जिसकी पेंडेंसी कम हो? सर मैं ये मानती हूँ कि एक मतलब एक टारगेट होना चाहिए कि आपको इतने केस एक साल के अंदर आपको सॉल्व करने हैं, और दूसरी बात कि सर मतलब जो वैकेंसीज हैं सर, क्योंकि न्यायाधीशों की भी कमी है सर, तो वो भी पूर्ति की जानी चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए और सबको उस हिसाब से कार्य करना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति अगर उन्मुख होकर कार्य करेंगे तो। रेवेन्यू को मैटर आपके पास आता है जिसमें कि एक परिवार में किसी प्रॉपर्टी के लिए कोई डिस्प्यूट है, 20 साल से केस चल रहा है, आपके पास वो केस आता है, आपने इसको सेटलमेंट करवा दिया, एक केस आपके पास एक फैमिली डिस्प्यूट से रिलेटेड आता है, डाइवोर्स रिलेटेड मैटर आता है, वो भी लगभग 20 साल से चल रहा है आपकी कोर्ट में, आपके पास जजमेंट का मौका मिल गया, आपने उसको भी रिजॉल्व कर दिया, आपको सेटिस्फेक्शन किस पे ज़्यादा मिल जा रहा है, उन वाले मैटर में मिलेगा या फैमिली मैटर को डिस्प्यूट सॉल्व करना? सिर्फ फैमिली मैटर को। अच्छा क्यों सर? क्योंकि जमीन मतलब रिश्ते मैं मानती हूँ कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर आप क्योंकि लोगों में आपस में सामंजस्य और प्रेम होगा ना सर, तो जमीन का केस तो सॉल्व होने में अगर टाइम लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। मीडिया ट्रायल जरूरी है किसी जजमेंट को प्रभावित करने, मीडिया ट्रायल हमारे बीच हम ऐसा देखते हैं किसी भी केस को लेकर
मीडिया टेल जनरली होता है, मीडिया टेल कितना प्रोवाइड करता है किसी केस को जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप जज हो, आपके आपका आपका कोई मैटर आपके पास है, हाई प्रोफाइल मैटर है, और वो लगातार मीडिया में लगातार खबरें बन रही है, सुर्खियाँ बन रही है, आपको कितना प्रोवाइड करेगा सर? एज ए मजिस्ट्रेट, सर एज ए मजिस्ट्रेट मुझे उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, मुझे तो सबूत और साक्षी के आधार पर ही केस में आगे बढ़ना चाहिए, लोग क्या बोल रहे हैं। मीडिया ट्रायल बंद करना चाहिए? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही कि मीडिया ट्रायल बंद कर देना चाहिए, उससे लोगों में जागरूकता आती है, लोगों को भी जानने का मौका मिलता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ एज ए मजिस्ट्रेट पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे उसके हिसाब से अपने विवेक का उपयोग करते हुए ही कार्य करना चाहिए। लोग आपको टीचिंग में जाना चाहिए था, आप अच्छा आप बोल लेते हो, अच्छा समझा लेते हो, विशेष में जाके करो। सर मैंने टीचिंग ऑप्ट किया था बीए के बाद, उस टाइम सर एक ट्रेंड चल रहा था कि लड़कियों के लिए जो बीएड है या टीचिंग लाइन है वो बहुत अच्छी है और वो सही है, लेकिन बाद में जब मैंने शादी के बाद ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट बताइए जिसमें कि आपको लगा कि मुझे जुडिशियल सर्विस में जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ के मुझे जुडिशियल सर्विस में जाना चाहिए। सर जब मैंने LLB किया तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया और लॉ को जानने में मेरी और अधिक रुचि हुई, और मुझे लगा कि इसका जिस चीज़ में मेरी रुचि है मैं उस काम को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। फैमिली मेंबर है आपका जुडिशियल सर्विस? जी सर, मेरे फादर इन लॉ हैं, एडवोकेट हैं। तो क्या उनकी कार्यशैली ने आपको प्रभावित किया या अपना खुद का इंटरेस्ट रहा? सर मेरा खुद का इंटरेस्ट जानने, क्योंकि जब हमारे घर में डिस्कशन होता था, पापा कई बार केस डिस्कस करते थे कि इस केस में ये हुआ, तो मुझे और रुचि आती थी कि हाँ मुझे आगे जाना चाहिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो मेरा भी लॉ करने की इच्छा हुई, मैंने फिर लॉ करा, और उसके बाद मुझे लगा कि सर दोनों का ही अपनी अपनी जगह रोल है, क्योंकि जो पहले साक्ष्य इकट्ठे करके लाते हैं, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसी उपस्थित साक्ष्य और सबूतों के आधार पर ही निर्णय देता है, तो पुलिस ऑफिसर की भूमिका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके जो साक्ष्य और सबूत एकत्रित करके लाता है उनके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले एक वर्ष में कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जिसमें समाज व्यवस्था प्रभावित हुई है, सामाजिक व्यवस्था पर असर पड़ा है, ऐसे को तीन फैसले आप सर, जैसे सबरीमाला टेंपल में का केस है, तो उसमें भी जैसे कि वुमेन का राइट के बारे में है, फाइनल फैसला हो गया उसका? हाँ सर हो गया, लेकिन वापस पुनर्विलोकन के लिए गया हुआ है, वापस सुनवाई होगी उसके ऊपर। और जैसे सर KS पुट्टा स्वामी का केस था निजता के अधिकार से रिलेटेड, KS पुट्टा स्वामी का केस जिसमें निजता के अधिकार के ऊपर जो फैसला आया था, और सर जैसे कि जो ये न्यायालयों में जो हो रहा है वो मतलब मीडिया ट्रायल जिससे हम बोल रहे, स्वप्निल त्रिपाठी का केस था कि न्यायालय की जो प्रोसीडिंग है वो सबके सामने आनी चाहिए। सर बहुत 2018 में सर बहुत सारे केस आए हैं। हाँ सर, सामाजिक व्यवस्था पर, सोशल रिलेशंस पर, व्यक्ति से रिलेशंस पर असर डालने वाले सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसले सभी वाला बताया। हाँ सर, ट्रिपल तलाक वाला जो केस है उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है लोगों पे। क्या होता है ट्रिपल तलाक? सर इसे तलाक ए बिदत भी कहा जाता है, ये मुस्लिम प्रथा है एक, जिसके अंदर एक पुरुष अपनी वाइफ को तीन बार तलाक कह के और उसको तलाक दे देता है, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो ओरली हो, चाहे वो मैसेज के थ्रू हो, तो सर ये होता है सर इसके। और तलाक कौन से होते हैं? हाँ सर, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। कौन से होते हैं तलाक? सर तलाक ए हसन है सर, मुझे पूरा पक्का याद नहीं है। आपके ये और सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपके अच्छे डिस्टिंक्शन मार्क्स हैं वगैरह हैं, एजुकेशन करियर आपका देखा है, तो जुडिशियल सर्विस में क्यों जाना चाहती हैं आप? और सर्विस बहुत रास्ता खुला है आपके पास में, क्या विशेष बात है इसमें? सर मैं सबसे बड़ी बात मेरी रुचि है इसके अंदर, लोग को जानने में, लोग को समझने में, लोग के लिए मेरी रुचि है, और मैं ये मानती हूँ सर जिसमें रुचि है वो काम आपको ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, तो इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। लॉ का एग्जीक्यूशन तो और सर्विसेज में भी होता है, स्टेट सर्विस में भी होता है, सर इसमें जो भी होता
हाँ जी सर, लेकिन जैसे एक होता है कि न्यायपालिका में लोगों की जो एक विश्वास होता है, जैसे सर अगर दो लोगों के बीच में विवाद भी हो जाता है, वो एक दूसरे को बोलते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट, तो एक विश्वास है उनके अंदर कि वहाँ हम जाएंगे वहाँ हमको न्याय ज़रूर मिलेगा, और मैं उस विश्वास का हिस्सा बनना चाहती हूँ सर। सर है विश्वास, लेकिन मैं मतलब उस विश्वास का अंग बनना चाहती हूँ जहाँ न्याय मिलता है। आपका विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन में? सर है, लेकिन है सर, है? हाँ सर। एक एसपी साहब एक थानेदार को थप्पड़ मार देते हैं, जी सर, ठीक है, और वो एसपी साहब के खिलाफ आता है आपके पास में वो एमएलए के लोग आते हैं, एमएलए आते हैं कि साहब कोई थाना रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं है और हमें साहब भगा दिया, अब आप कुछ कार्रवाई करिए, अब क्या करेंगे, किसमें मामला दर्ज करेंगे उसको? सॉरी सर, सर परिवाद ही होगा। हाँ, परिवाद करेंगे तो किसमें दर्ज होगा परिवाद, कौन से सेक्शन में होगा, क्या कार्रवाई करेंगे आप? सर 156 के 3 के अंदर, सर 156 में परिवाद पे उनकी सुनवाई करूंगी और फिर जांच के लिए भेज दूंगी, अन्वेषण के लिए। हाँ भेजेंगे सर, 156(3) में पुलिस अधिकारी को ही अन्वेषण के लिए। और पुलिस अधिकारी आपको जांच करके पेश करते ही नहीं है? हाँ सर। क्यों, पुलिस के एसपी के खिलाफ मामला है, क्या कार्रवाई करेंगे? आपने विश्वास पैदा किया है, जुडिशरी में विश्वास के लिए आए हैं, क्या कार्रवाई करेंगे आगे? सर लीगल प्रोसेस तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर करूँगी, अपने सीनियर से बात करूँगी, सीनियर से पूछूंगी, राय लूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा सॉरी सर, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया सर। थैंक यू सर। एक तो क्या करते हैं, हाँ एक मेन चीज है कि जीके का थोड़ा सा ध्यान, ठीक है, जीके वाले जो भी ना एडवोकेट जनरल कौन है, इसरो के कौन है, जो मेन चर्चा में है चीजें, करंट कॉलेज, अभी कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं मालूम आपको? सर वो ध्यान नहीं आया नाम। सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब मुझे अगर वास्तव में मुझे सच्ची पता होता है तो मैं बोल पाती हूँ, अदरवाइज जहाँ झूठ का बात आता है मैं बोल ही नहीं पाती सर। मैं आपको सबसे बड़ा अपराध मानता हूँ कि आपको भगत सिंह के साथ को फांसी उसके नाम याद नहीं है। सर हाँ मुझे चौथी क्लास के बच्चों को सर याद नहीं आया मुझे। लॉ में आप खास तौर से जो आप जीके आपके पेपर नहीं है मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आप जीके तैयार नहीं करते। हाँ सर, क्योंकि के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जीके का उसमें पेपर नहीं है, वो कुछ भी तैयार नहीं करते, राफेल क्या होता है वो भी तैयार नहीं करते हैं, ठीक है, क्या लेना देना है उसके अंदर। तो इसलिए और फिर उसकी आवश्यकता पड़ती है, अगर जीके अच्छा नहीं है तो आप उस सिस्टम में पार्ट नहीं ले पाते, वहाँ पर अपने अलूप सा फील करते हैं, अजीब सा फील करते हैं। तो जहाँ जहाँ आप जाकर के बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलेंगे जुलेंगे, तो कौन आपके कानून की बातें करेगा हर समय? वहाँ तो आपकी वार्तालाप होगी, जो इस बात की बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका क्या रिपरकशन है, इस पर बात होगी ज़्यादा, न कि इस पर बात होगी कि 323 क्या होता है। इसलिए एक जुडिशियल ऑफिसर को एक मल्टी पर्सनैलिटी, माइक्रो पर्सनैलिटी, मैक्रो पर्सनैलिटी के लिए आपको ये सब मालूम होने चाहिए, सिस्टम्स का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर लैकिंग नहीं, काफ़ी लैकिंग है, मैं तो ये कहूँगा एक्चुअली बरादर
वंडरफुल एक्चुअली राइट। सो इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपकी हॉबी नहीं पूछी हमने, इंटरव्यू का पार्ट नहीं है वो, और वैसे क्या है हॉबी बताओ सर? कुकिंग। कुकिंग कुकिंग यस सर। आपको किसी ने आप खासतौर से बताया ऐसी हॉबी बताओ जो सर? कुकिंग और डायरी। हाँ सर, सर सूजी के अंदर है ना वो नमक डाल देते हैं और उसके अंदर मीठा सोडा डाल के और दही में उसको आटा लगा गीला गीला करके और उसको रेडीमेड सूजी हो गए। नहीं नहीं सर सूजी नहीं, थोड़ा क्या है ओपन माइंड, डरो मत। आपका खेल कौन सा रुचि है? पूरा बोले ढूंढना, बड़े होशियार आदमी हो ऐसे क्या नहीं आता उसको? नहीं आता के बोले ढूंढना। अगर जैसे मान लो दो सेक्शंस में अपने कंफ्लिक्ट हो रहा है माइंड में, एक अपने बोल दिया रही सीट की तरफ से आ गया, तो जब मैं कंफर्म नहीं मैं किताब देख लेती हूँ तो आप थोड़ा टाइम दे पाओगे। इवन हमारे जस्टिस कृष्णा एन सी देव कहते थे कि 323 में भी कन्विक्शन करो ना तो आप बुक को देखो पहले। जज के लिए जरूरी है कोई भी फैसला देना है तो बिना उसको सेक्शन पढ़े हुए कभी जजमेंट नहीं दे। 500 IPC में रिग्रेसिव जजमेंट दे दिया, जब तक लास्ट सेक्शन नहीं पढ़ लो ना तब तक फाइनल कंक्लूजन देखना पड़ता है कि भाई क्या है। इसलिए कोई मौका मिले किताब देखो, कोई मौका मिले तो CPC में 89 पे ले जाओ तो 89 को परफेक्ट कर लो। लगातार ना करने से नहीं चलेगा काम, थोड़ा जिसने ना कर दिया ना जवाब के लिए, ये तो मैं किताब देती बताती हूँ सर, मैं सीनियर से पूछूंगी पिताजी से पूछूंगी, ये थोड़ी जवाब होता है। सब चीज़ें किताबों में, पर अपने को पता होना चाहिए। जब मैं कन्फ्यूज हूँ मैं थोड़ी किताब देखती बता देती हूँ, तो वहाँ कोई भी वकील आएगा तो ये तो कहेगा नहीं आप किताब मत देखो, तो आप वैसे ही करो। डॉक्टर वो अच्छा है जो बिना किताब के दवाई देता है। स्टैंड पर बैठो, डाइस पे भी किताब देख सकते हो, होती इसीलिए वो इसकी बात रखी जाती है, डाइस पे रखी जाती है, देखने में बिल्कुल मजा ही नहीं आता। किसी डॉक्टर के पास जाए वो कहे मैं किताब देखता हूँ तो होम्योपैथी का आयुर्वेदिक तो मैं कहता नहीं, बाकी एलोपैथी वाले डॉक्टर पास कोई नहीं जाएगा। और ऐसे कोई वकील है वो वैसे ही राय दे देता बिना किताब देखे, फिर उसके पास कोई नहीं है। जुडिशरी में क्यों आना चाहते हो? इसके बेस्ट जवाब आपको ये होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ माय वर्किंग इज बेस्ट इन जुडिशरी देन एनी ऑफ इट्स रेसेस। इसको समझने की बात, क्योंकि जो भी है और सर्विसेज सर्विसेज में उनको एग्जीक्यूट करनी पड़ती है गवर्नमेंट की योजनाएं। ठीक है, गवर्नमेंट की योजनाओं को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो उस हिसाब से करना पड़ता है जो सरकार आती है। एक मुझसे मजिस्ट्रेट उतना इंडिपेंडेंट था सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी जगह पर जितना महत्वपूर्ण है वो भी इतना महत्वपूर्ण है अपीलेट के रूप में कुछ भी हो। सही बात है, इंडिपेंडेंस कहीं नहीं मिलेगी आपको। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कि मैं इंडिपेंडेंस ऑफ मैं जस्टिस दे सकती हूँ, मुझे जस्टिस में कोई इंटरफेरेंस करना नहीं मिलेगा। अब एक SDM 129 का कार्रवाई करे ना करे उसमें ना ये क्या किया तुमने, ऐसे नहीं करना चाहिए था तुमने, अभी यार ये क्या किया, इतने सारे लोगों को काहे को डिस्पर्स करने की कार्रवाई कर दी, बात करेंगे, बहुत सारी बातें हो सकती है उसमें। लेकिन ये कहने वाला कोई नहीं है तुमने ये क्यों किया, मुझे कर दिया फिर कर दी ठीक है, और वो ये भी कहने वाला कोई फैसला क्यों किया ठीक है फिर जाइए। ठीक है ठीक है डिस्चार्ज संबंध जाएगा, डिस्चार्ज नहीं होता। दो तीन चीजें हैं। अच्छा सर, संबंध जाएगा डिस्चार्ज नहीं होता, केवल वन टाइम डिस्चार्ज। ठीक है सर, दो तीन चीजें तो फ्लो आपका अच्छा है। ठीक है सर, आप प्रैक्टिस करोगे तो फ्लो अच्छा होने लगती है। जो क्वेश्चन से हमने पूछे आपसे फैमिली डिस्प्यूट और रेवेन्यू डिस्प्यूट में, तो अपन को एक कुछ देर साथ में बोला कि जज क्यों बनना चाहते हैं, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए और वो आपके अंदर से बात आनी चाहिए कि मैं क्यों बनना चाहती हूँ, मेरे लिए टीचिंग बाकी जॉब्स वगैरह से ज़्यादा क्यों इम्पोर्टेंट है जुडिशरी। वो तभी आएगा जब आप कुछ अपने व्यवहारिक कामों को बता पाओगे कि यहाँ पर आने के पीछे मेरे बेसिक यू टर्न क्या रहा जो है, कैसे मैं एक जॉब के लिए मैं यहाँ पर आना चाहती हूँ, या मैं ऐसे से एक ठीक है हमारी नौकरी लग जाएगी और मैं दे दिया और हो गया टाइम, तो बहुत ही फोकस होना पड़ेगा इस जवाब के लिए। इतना आसान जवाब नहीं है कि मैं जज क्यों बनना चाहती हूँ। नंबर दो, पुलिस आप जैसे मतलब पुलिस और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में, तो आप बताओगे पुलिस की जो कमियां होती हैं, पुलिस जो गलत तरीके से चार्जशीट पर बात कर रहे हैं, व्यापार पर बात कर रहे हैं, एक पूरा सुपरविजन आपका होता है, पूरा डायरेक्शन होता है, तो एक बड़े लेवल पे आप चीज़ें कर सकते हो, और एक जजमेंट आपका एक जजमेंट पूरे देश में एक साथ जो है लाखों करोड़ों को प्रभावित कर सकता है राइट। और जो जवाब आपने दिया कि रेवेन्यू डिस्प्यूट में और फैमिली डिस्प्यूट में, मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हुआ,
बजाय इसके कि एज ए महिला होने के नाते फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करने मेरे लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि परिवार बचेगा, महिला की जिंदगी बचेगी, वही सॉल्व करना हो सकता है। लेकिन आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं रेवेन्यू के बजाय मैं फैमिली में, तो आपको बैलेंस उस पर आपको रखना है, रियल जस्टिस दे सकती है। रियल जस्टिस हमको रेवेन्यू में, उसमें भी क्रुएल्टी हो रही है, दो परिवार लड़ रहे हैं पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, तो क्रुएल्टी तो वहाँ भी चल रही है ना, फैमिली के बीच में, सोसाइटी के बीच में, सब जगह क्रुएल्टी है। फैमिली डिस्प्यूट है तो वहाँ भी क्रुएल्टी चल रही है, फैमिली की भी, दो फैमिली उसमें आपस में लग, तो आपको बैलेंस होना चाहिए जवाब, ठीक है ना। और फ्लो आपका अच्छा है, बाकी जो सर ने बोला कि करंट GS वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है, आप इम्प्रूव कर ले जाओगे टाइम में, आप इसको इम्प्रूव करो, बाकी ठीक है। इस डेट में आपका सर 11 तारीख जैसे मजिस्ट्रेट में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो आप यही उत्तर दो, जेंटलमैन होना चाहिए। क्या मतलब जेंटलमैन? भला जैसे हमारे कई रिलेटिव आते हैं सर, हमारे ताऊ जी आते हैं, फूफा जी आते हैं, बड़े भले, उनके बारे में सारा भाई बात करता भला आदमी है। जैसे कोई मजिस्ट्रेट बनने का पूछे कि क्यों बनना चाहती है मजिस्ट्रेट, तो ये तो क्या जवाब है ही है, लेकिन ऐसे जवाब क्या दूसरे क्वेश्चन को और पैदा कर देंगे, क्या एक ऐसा उत्तर जो दूसरे क्वेश्चन क्रिएट कर दे कि भाई वो एडमिनिस्ट्रेशन वाला बना दिया था, एडमिनिस्ट्रेशन में दिया था। आप ये कहो, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है, कि एवरी लॉ स्टूडेंट और एडवोकेट की एक सीक्रेट एम्बिशन होती है जज बनने की, मजिस्ट्रेट बनने की, क्योंकि वहाँ जो बैठे होते हैं सब वकीलों से आए हुए होते हैं और सबकी 5-5, 10-10 लाख की प्रैक्टिस हुई होती है, फिर भी वो जज बनते हैं। ये क्यों बनते हो? तो आप बताओगे, आप बहस सुन दी, और जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फिर 40 दिन बहस सुनी, सब मैंने लगातार उसको अखबारों में देखा। अब एंग्जाइटी हो रही, क्या फैसला आएगा, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि क्या फैसला आता है। तो ये जो एंग्जाइटी है ना बीच की, ये मोटिवेट करती है लॉ स्टूडेंट को मजिस्ट्रेट बनने के लिए, जज बनने के लिए। प्रश्न से प्रश्न पैदा नहीं हो ऐसा करो, और होने तो अपने वाला हो अपने, जैसे सेक्शन नहीं पूछते तो आप मत बताओ कि 7-10 में हमने पूछा ही नहीं। तो शतरंज की तीसरी चाल से जो ध्यान रखता है ना, तो उसका तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसका ध्यान आना ही चाहिए। इस मेरे क्वेश्चन के बाद क्या क्वेश्चन आएगा, उसके क्वेश्चन को मैं क्या जवाब दे सकती हूँ, क्या आना चाहिए। तो शतरंज की चालों की भांति अगले क्वेश्चंस का जवाब हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। किस में पूछे? सीपीसी में पूछो। सीपीसी में क्या पूछे? 89 कहते भी वो तो आपको 89 पे पूछे, उसको अच्छी तो क्या करो, फोकस 89 पे। तो फोकस वहाँ रखो जहाँ वो पूछना चाहते हैं। तो 89 में मीडिएशन का थोड़ा सबसे देखिए कि मेडिटेशन क्या होता है, थर्ड न्यूट्रल पर्सन होता है, वो दोनों को सुन करता है, कॉन्फिडेंस अच्छा है। तो प्रार्थना भगवान से ये करो कि वो दिन अच्छा रहे, वो लाइन को बड़ी केवल को बड़ी अच्छी रहे। क्या सर? अच्छा, बिल्कुल सीधे कॉन्फिडेंस रहे, केवल पर झुक के बैठने से कॉन्फिडेंस का लेवल कम शो होता है, ठीक है, ठीक है ना, आगे सीधे ठीक है। और एक ना आई कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जैसे जिस मेम्बर ने जिंदगी, तो आप कॉन्ट्रैक्ट सभी को थोड़े समय के लिए करते रहना है, ताकि आपको लाइव बना के, क्योंकि इंटरव्यू आपको वहाँ से नंबर लेके जाना है, ठीक है ना, और इंटरव्यू अपनी तरफ मोल्ड करना है। एक महिला होने के नाते सबसे पहले बताओ कि सर जुडिशरी में महिला जजेज है ही नहीं, मैं तो इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि मैं मुझे सेशन मिल जाए, जितनी जल्दी संख्या बढ़े वाली है। एक लड़की गई थी इंटरव्यू देने, तो वो क्या एम ए किया, फिर लॉ किया, फिर शादी हो गई, उसके बाद में गई तो उसे पूछा जैसे आपने, भैया आप लोग बहुत लेट हो गए, वो जी सब काम होने के बाद मैंने सोचा कि एक मौका मैं अपने आप को देके दे तो मैंने एक मौका दिया आपके आप। फिर बोले जी आपको मान लो इस बार नहीं होता आपका सिलेक्शन, तो वो साहब मेरी दादी जी कहानी सुनाती थी एक, मैं आपको आगे हो तो सुनो, बोला आप बताओ, वो मना तो करेंगे नहीं, वो साहब एक चीटी बेटा एक चीटी थी चलती चढ़ने की कोशिश की, फिर गिर गई, फिर दोबारा कोशिश की, फिर गिर गई, फिर तीसरी कोशिश पा गई। तो इससे ये सबक मिलता है कि मेहनत करते रहो बस, तो उसको उनको ये लगेगा कि ये एक नॉर्मल कैंडिडेट है, कॉन्फिडेंस का लेवल जो है ना जबरदस्त है ये ऐसा कहने में।
थोड़े मुहावरे वहाँ कॉन्फिडेंस शो करना है, मेन कॉन्फिडेंस वहाँ आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस आना जरूरी है वहाँ। लड़का जोगी जोगड़ा आंगा होगा सिद्ध, जब आप एडवोकेसी कर लो मतलब केस कौन देगा, पहले तो कोई देता ही नहीं था, एक रिश्तेदार मेरे पास आया था, एक केस दिया उसने मेरे को 1,00,000 रुपये वसूली का, मैंने किया वो लीगल 89 में चला गया सर। आगे सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि कंप्लेंट पे आता है तो उसके बाद अगर एफआर आती है तो क्या करोगे? एफआर पर आप कॉग्निशन दे सकते हो। अच्छा सर, उन्होंने एफआर दी, आपको लगता है कि उन्होंने गलत एफआर दी है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है उसके आधार पर बन रहा है कि केस बनता है, आप कॉग्निशन दे सकते हो। ठीक है, उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज सकते हो, उसमें पॉइंट्स लिख करके ये पॉइंट्स आपने छोड़ दिए, इन पॉइंट्स पर आप इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है सर, और तीसरे स्टेज में फिर अगर आपको लगता है तो फिर कंप्लेंट को नोटिस जारी करोगे और एफआर मंजूर करिए, आपको कुछ कहना हो तो कंप्लेंट को सुन के उस एफआर को मंजूर करो। ये तीन स्टेप एफआर पेश होने पर तीन स्टेज। और सर चालान में तो आपको कॉन्फिडेंस लेना है, कंप्लेंट होती है जब बयान जो लेते हैं 200 में कंप्लेनेंट के बयान है, 202 में उसके विटनेस के बयान है और 156(3) में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं फाइल केस दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करो, वो 156(3) में भेजते हैं। ठीक है, कंप्लेंट के लिए 200 में और 202 में उसके विटनेस, कंप्लेंट के जो विटनेस हैं। अच्छा, उनके 202 जी। और सर आपसे जो क्वेश्चन पूछा था आपने कि एसपी के खिलाफ वाला जो ये बताया ना उन्होंने, अच्छा वही सेम वही कार्रवाई वही होगी ना, कंप्लेंट ही आएगी ना। एसपी ने एमएलए को थप्पड़ मार दिया, कोई थाने वाला कोई कार्रवाई नहीं करता, तो कोर्ट में आना पड़ेगा उसको, कोर्ट में आएगा कंप्लेंट है, समन केस है, नॉन कॉग्निजेबल है तो कंप्लेंट भी चलेगी, आपको 156(3) में नहीं भेजना, खुद को बयान लेके कंप्लेंट की स्टेज तो वही है, कॉग्निजेबल नहीं है, आपको खुद को ही। थैंक यू।